जहाँ पर कॉस्मेटिक सेक्शन है, काफ़ी सारी ब्रांड्स अवेलेबल है। तो गाइस लास्ट कुछ टाइम से मेरी स्किन जो है काफ़ी डैमेज हो गई थी, पिंपल्स हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सुना था कि ZM के प्रोडक्ट अवेलेबल है और ZM काफ़ी अच्छी ब्रांड है, तो सोचा क्यों ना ZM के प्रोडक्ट इस बार लिए जाए। तो मैंने कॉस्मेटिक्स में भी कुछ ही लिया है और स्किन का नाम है ZM जान एंड मिर्जा, ये बेसिकली सिंगापुर का ब्रांड है। ये इसके सारे प्रोडक्ट जो भी हैं सारे प्योरली वेजिटेरियन 100% वेजिटेरियन है और पीटा बेसिस में, इसमें कोई भी तरीके का कोई पैराबिन केमिकल अल्कोहल इस तरह के प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं। तो यहाँ पर भैया मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ZM के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर था, नेचुरल है, वेजिटेरियन है, कोई केमिकल नहीं है। लिप शेड्स भी ऑलमोस्ट सारे जो भी ट्रेंडिंग लिप शेड्स है सारे अवेलेबल है, न्यू डार्क जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। इसकी स्टिक्स भी अवेलेबल है, नेल पेंट्स भी अवेलेबल है, इसमें ब्लश एंड हाइलाइटर का पैलेट भी अवेलेबल है, बहुत सारी रेंज ZM ने लॉन्च कर दी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। इसके लिप शेड तो मैंने यूज़ किए हुए हैं पर्सनली, काफ़ी नेचुरल फ्रेग्रेंस इसकी आती है। और इसी के साथ में जो है ZM ने अपना स्किन केयर रेंज भी लॉन्च किया है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक कॉफ़ी अरेबिका। ये जो मेरे हाथ में है ये टी ट्री विद सैलिसिलिक एसिड है, अगर पिंपल्स हैं और दाग धब्बे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सिरम भी अवेलेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, इसके अंदर ब्रिसल्स हैं जो कि आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं। विटामिन सी फेस वॉश भी अवेलेबल है, अगर जेंट्स यानी कि मेल भी यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी फेस वॉश है। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस ब्रांड ने जेंट्स के लिए भी सोचा है। इसके परफ्यूम्स भी अवेलेबल है, नाइट क्रीम भी अवेलेबल है, मतलब पूरा पैकेज है। अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप इस ब्रांड का पूरा पैकेज लेके आ सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने भैया ने मुझे दिखाया है कि ये सब यूज़ करने के बाद आप सनस्क्रीन लगाएं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ये सनस्क्रीन जेल फॉर्म में सबसे अच्छी चीज़ है। और ऑयल विटामिन सी पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ और हमेशा कहती आई हूँ कि विटामिन सी सीरम और विटामिन सी भी जो है हमारी स्किन पे बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो ZM का जो है विटामिन सी फॉर्मिंग क्लिंजर ये मैंने लिया है, उसके साथ में मैंने लिया है विटामिन सी सीरम और उसके साथ ही मैंने लिया है विटामिन सी नाइट क्रीम, क्योंकि नाइट स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने ले लिया, तो मैंने ये सब चीज़ें परचेस करी है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि कोई भी 4 प्रोडक्ट खरीदने पे, लाइक ZM के 4 प्रोडक्ट खरीदने पर आपको ये वैनिटी फ्री मिलती है, तो अब मैं अपने कॉस्मेटिक्स को इसमें सेफ एंड सिक्योर भी रख सकती हूँ और अपनी स्किन का भी ध्यान। ये तो इस रूप चौदस मेरा रूप तो बहुत अच्छे से निखरने वाला है। आपने क्या सोचा है इस रूप चौदस? तो यहाँ के रूप चौदस की तैयारी के लिए मैंने कुछ नेल पेंट्स देखी, बहुत सारी वेराइटी थी, न्यूट शेड भी थे, कुछ डार्क शेड भी थे, क्लचर्स वगैरह और क्लचर्स में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी और काफ़ी सारी ब्रांड्स अवेलेबल है ZM के अलावा भी, मैबलिन हो गया, लैक्मे हो गया और परफ्यूम का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, डीओ है, परफ्यूम है, वॉचेस, तो माय गॉड मतलब इतना अच्छा कलेक्शन है, ऐसी वॉचेस देखने को मिली, फीचर्स देखने को मिले जो मुझे पता भी नहीं था। यहाँ पर एक वॉच हमें बहुत अच्छी लग रही थी जो हमने प्लान किया है कि इनके बर्थडे पे हम लोग लेंगे, और स्मार्ट वॉच का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मेल में भी है, फीमेल में भी है, बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी वॉचेस है। ये वाली वॉच जो मैं कह रही थी वो हमें बहुत पसंद आई, इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और टाइमेक्स है, आई थिंक ये टाइमेक्स, हाँ टाइमेक्स ही है। अप्लाइंसेस की बात करें, दिवाली आ रही है और दिवाली पे कोई अप्लाइंसेज ना खरीदे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेशली हम लोग कैसे हैं ना, हम लोग ओकेज़न पे ही कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो घर के लिए भी बहुत सारे अप्लाइंसेज है, किचन के लिए अप्लाइंसेज है, ड्राॅइंग रूम के लिए अप्लाइंसेज है, तो मैंने भी कुछ लिया है। से परचेस करना था और मैं ऑलमोस्ट सारी शॉप पे विजिट कर चुकी थी। जब मैं नावा सुपर मार्केट आई तो कंपैरेटिवली सारी शॉप्स थी, जितनी भी ब्रांड्स मैंने देखी थी उनमें मुझे काफ़ी अफोर्डेबल और रिजनेबल रेंज में यहाँ पे अवेलेबल हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मैं चाह रही थी वो भी मुझे मिल गया और जो बजट मेरा था उसी बजट में मुझे मिला, और क्वालिटी तो खैर नो डाउट बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छी है, बहुत सारी वैरायटी है, मतलब आप थक जाओगे बट यहाँ की चीज़ें और यहाँ का जो वैरायटी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। घर से लेके आपका खुद का पर्सनल जो भी आप यूज़ करते हैं सभी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, तो मैं तो बहुत कंफ्यूज, जब भी मैं यहाँ आती हूँ बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बट स्टिल कोशिश करूँगी कि मैं घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत अफोर्डेबल है, मतलब बहुत सस्ता है, इतना ऐसा महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं। This is next.
और हम लोग ये ले रहे हैं घर के लिए। डन कर दें। तो घर के डेकोरेशन के लिए भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली है, जैसे वो बुद्धा था वो लिया है। जेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी वैरायटी है, बेल्ट वगैरह के काफ़ी अच्छे कलेक्शन हैं, कॉम्ब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इस दिवाली तो घर जगमग जगमग करने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ शो पीसेस ख़रीदे हैं। ये बुद्धा मैंने परचेस कर लिया है, और मैंने एक और चीज़ ली थी, मैंने लिए थे राधा कृष्ण। और ये बच्चों का डिपार्टमेंट है, बच्चों का स्टोर है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव एजुकेशन गिफ्ट्स वगैरह हैं। और अब दिवाली है, तो दिवाली के लिए मैं कुछ बांधनवार और कुछ ऐसे हैंगिंग का लेना चाह रही हूँ, जिस पे कुछ अच्छा सा लिखा हो, ताकि घर पे लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिया ये शुभ लाभ का दो हैंगिंग, जो कि मैं अपने मेन डोर पे लगाने वाली हूँ। यहाँ पे लाइटिंग्स भी थी, काफ़ी सारी लाइटिंग्स थी और अलग अलग उसमें थी, मतलब लाइक कुछ कमल के फूल बने हुए हैं, हैंगिंग्स थे, रंगोली के लिए था, और ऐसे छापे जो हम लोग पाँव वगैरह के लगाते हैं वो भी था। दिवाली की सारी चीज़ें अवेलेबल थी और बहुत अच्छी थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये भी मैंने ले लिया। लाइट्स भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दीपक वगैरह, और ऐसे थाली हो गई। डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब जो आपने सोची भी नहीं होंगी वैसी भी थी, और बहुत बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने हैंगिंग भी ले लिया, मैंने बंधनवार भी लिए, आगे आपको दिखाऊंगी, लाइटिंग्स भी लिए जिसमें गुलाब के फूल का डिज़ाइन बना हुआ है। दिवाली आ रही है, दिवाली पे रूप चौदस भी आएगा, तो अपने रूप निखारने की चीज़ें तो ले ली, बट कुछ मुझे पर्सेस का काफ़ी सारा शौक है, और यहाँ पे मुझे अच्छी वैरायटी दिख गई, कुछ ऑफर्स चल रहे थे, ब्रांड है लावी है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पर्स ले लूँ। बैग भी लेने थे, पर्सेस भी लेने थे, तो काफ़ी सारी वैरायटी मुझे देखने को मिली, जिसमें मुझे लावी भी दिखा, सीरीज भी दिखा, कैफ्रसी भी दिखा, बैगेट भी दिखा, तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं और मैं ब्रांड प्रेफर करती हूँ, मुझे लावी पर्सनली पसंद है, हालांकि सारी ब्रांड बहुत अच्छी, लावी पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने चूज़ किया है ये वाला। ओ नो, ये क्या मुझे फुटवेयर्स दिख रहे हैं, और मुझे मतलब घर में मेरे पास बहुत सारे फुटवेयर्स हैं, और यहाँ पे फिर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही गया अपने लिए, और मैंने ले ही लिया। तो मैंने मोजड़ी ले ली है और मैंने एक शूज़ भी लिए हैं, हाइप की ब्रांड है, एड़ा के फुटवेयर्स है घर में पहनने के, तो बहुत सारी रेंज है, मैंने घर में पहनने के लिए भी लिए हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न्स थे। और यहाँ पर ब्रीफकेस का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ब्रांड है काफ़ी अच्छी, और स्कीम चलती रहती तो काफ़ी सस्ता आपको जाता है, और हम लोगों ने ये वाला ब्रीफकेस खरीदा है क्योंकि हमें चाहिए था, आना जाना रहता है, तो अच्छा लग रहा था, ये प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और घर के लिए हम लोगों ने फिर ये फाइनल किया है राधा कृष्ण, और एक ये फाइनल किया है, तो अगला व्लॉग बहुत जल्दी